Good morning, students. Myself, Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group, Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 33 पढ़ेंगे. बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि वह पांडवों को 5 गांव देकर उनसे संधि कर ले, किंतु दुर्योधन और उसके जो अन्य भ्राता होते हैं, उसके जो अन्य भाई होते हैं, वह इसके लिए मना कर देते हैं. वह इसके लिए पांडवों से संधि करने के लिए वह तैयार नहीं होते हैं. तो दुर्योधन के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप युद्ध जो है आवश्यक हो जाता है और कुछ ही दिन पश्चात युद्ध प्रारंभ हो जाता है. बच्चों, ये युद्ध महाभारत का जो युद्ध था, जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, ये युद्ध 18 दिन तक चलता है. 11वें दिन के युद्ध का हाल आप अध्याय 32 में पढ़ चुके हैं और आज हम 12वें दिन के युद्ध यानी कि अध्याय 33 पढ़ेंगे. बच्चों, अध्याय 32 में आपने पढ़ा कि दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहता था ताकि जो पांडव है वह युधिष्ठिर के बंदी बनाए जाने से परेशान हो जाए, चिंतित हो उठे और वे युद्ध को बंद कर दे, यानी कि वहीं पर युधिष्ठिर के कैद हो जाने के कारण युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाए. इसीलिए वह युधिष्ठिर को पकड़ने की योजना बनाता है. इसलिए युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए. तो बच्चों, दुर्योधन जो है वो ये योजना बनाता है कि युधिष्ठिर को जो जीवित पकड़ने की उसकी चेष्टा थी, जो उसकी इच्छा थी, वो जब विफल हो जाती है यानी असफल हो जाती है, तो वो ये निश्चित करते हैं कि इसके लिए अर्जुन को यानी कि युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए जो योजना बनाते हैं, वे इसके लिए तैयारी करते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और युद्ध में लड़ते लड़ते उसे इतनी दूर ले जाया जाए कि वह युधिष्ठिर से दूर हो जाए, क्योंकि वह युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे थे. तो जब अर्जुन युधिष्ठिर से दूर हो जाएगा तो हो सकता है कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए और उसको युधिष्ठिर से दूर ले जाया जाता है. युद्ध का 12वां दिन था. बच्चों, युद्ध का ये 12वां दिन था यानी कि 11 दिन का जो युद्ध था वो समाप्त हो चुका था और 12वें दिन का युद्ध लड़ा जा रहा था. बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी. आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे. जो आचार्य द्रोण थे, द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने अनेक बार प्रयत्न किया कि वो युधिष्ठिर को जीवित पकड़ ले, क्योंकि दुर्योधन ने यही नीति अपनाई थी कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ा जाए. लेकिन उनकी, आचार्य द्रोण की जो नीति थी, जो योजनाएं वो बना रहे थे युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए, वह सारी असफल होती जा रही थी. भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया. यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा. यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें. इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक यानी सेना कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था. बच्चों, भगदत्त का जो हाथी था उसने भीमसेन को जो था भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया. ये शोर सुनकर जो युधिष्ठिर था उसको ये विश्वास हो गया था कि भीमसेन सचमुच मारा गया होगा, पर उन्होंने अपने वीरों को भगदत्त पर हमला करने की आज्ञा दी और अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया. हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए. भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया. जो भगदत्त था उसने अर्जुन के ऊपर एक तीर चलाया. तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा. इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया. उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो. यह कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया. गांडीव यानी अपना धनुष भगदत्त की तरफ उसने तान लिया. थोड़ी ही देर में एक और पैने यानी तीखे बाण ने उसकी छाती भेद डाली. भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर पितर
होने लगी। बच्चों थोड़ी देर बाद अर्जुन का एक बाण से, अर्जुन के धनुष से एक तीखा बाण निकला और उस तीखे बाण से भगदत्त जो थे उसके प्राणांत हो गए, यानी कि वह मारा गया। और जब कौरवों को इस बात का पता चला कि भगदत्त जो है वो अर्जुन के हाथों मारा गया है, तो कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। बच्चों शकुनी के दो भाई वृषक और अचक, आप सभी को पता है शकुनी जो कि दुर्योधन का मामा था, उसके दो भाई वृषक और अचक ये दोनों भी इस युद्ध में भाग ले रहे थे। और इन दोनों ने, अर्जुन ने दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया। अर्जुन तो जो था उसने शकुनी मामा जो थे उनके दो भाई वृषक और अचक पर आक्रमण किया और उनके जो रथ थे जिन पर वो बैठे हुए थे उनको उसने तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। बच्चों जो अर्जुन शकुनी के जो दोनों भाई थे वह अर्जुन के बाणों का प्रहार सहन नहीं कर सके और वहीं पर 12वें दिन के युद्ध के दौरान ही उन दोनों के प्राणों का भी अंत हो गया। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और शोभ की सीमा ना रही, उसने युद्ध शुरू कर दिया। जब शकुनी मामा को यह पता चला कि उसके दो भाई इस युद्ध में मारे गए हैं तो उसको अत्यधिक क्रोध आया और उसने अर्जुन के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत यानी घायल हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। शकुनी जो था वो अर्जुन के बाणों से अत्यधिक घायल हो गया था और उसे युद्ध के मैदान से हटना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे यानी कि कई सारे कौरवों के कई सारे जो वीर सैनिक थे या उनके जो भाई थे, दुर्योधन के जो भाई थे या कौरवों की सेना के जो महान योद्धा थे, वह उस दिन मारे गए। खून की नदियां सी बहने लगी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ खून की नदियां बह रही हो, यानी कि इतने वीर जो थे उस दिन युद्ध के दौरान मारे गए थे। अपनी सेना का ये हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। जब द्रोणाचार्य ने ये देखा कि अत्यधिक नरसंहार हो रहा है और कई लोग मारे, कई सैनिक मारे गए, कई वीर मारे गए, तो उन्होंने उस दिन का जो युद्ध था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी और दोनों पक्ष यानी कौरव और पांडवों की जो सेना थी वह अपने अपने डेरों की यानी कि जहां पर उनके रहने की व्यवस्था थी वहां की ओर चल गई और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। और अब बच्चों 13वें दिन का जो युद्ध था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि यह युद्ध अर्जुन के बहुत ही कम आयु का जो पुत्र जो था अर्जुन का अभिमन्यु उसके द्वारा लड़ा जाना था और 13वें दिन का युद्ध प्रारंभ होता है। बच्चों 13वें दिन भी संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा गया और अर्जुन ने उस चुनौती को, उस ललकार को स्वीकार किया और वह लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे वह अभी भी इस फिराक में थे कि कैसे ना कैसे करके युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जैसे ही अर्जुन दक्षिण की ओर युद्ध के लिए गया, युद्ध में व्यस्त हुआ, वैसे ही उन्होंने एक व्यूह की रचना की और उस व्यूह रचना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि युधिष्ठिर पर धावा बोलकर उसको बंदी बना लिया जाए। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यायकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमोजा, विराट राज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की, फिर भी द्रोण का वेग उनसे नहीं रुका। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, जो अभिमन्यु था वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था।
वो अभी बहुत ही कम आयु का था, यानी कि छोटा ही था, बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समता करने वाला समझते थे। यानी कि कम आयु का होते हुए भी वह इतना बहादुर था, इतना कुशल था युद्ध में कि लोग उसका मुकाबला जो है, उसकी बराबरी जो है कृष्ण और अर्जुन से किया करते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। यानी कि द्रोणाचार्य ने जो है एक चक्रव्यूह की रचना की थी और इसका उद्देश्य था कि कैसे ना कैसे करके युधिष्ठिर पर धावा बोलकर उसको बंदी बनाया जाए। तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा कि द्रोणाचार्य के द्वारा जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, उस चक्रव्यूह को भेदना हमारे किसी के भी बस की बात नहीं है। एक तुम ही हो जो इस व्यूह रचना को, द्रोणाचार्य के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो, तो और अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। बच्चों, अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में था तब श्री कृष्ण सुभद्रा को चक्रव्यूह की कहानी सुनाते हैं, तो उसे जब तक वो जग रही थी, जब तक उसने कहानी सुनी, तब तक का रास्ता तो अभिमन्यु को याद था, लेकिन कहानी सुनते सुनते ही सुभद्रा को नींद आ गई और नींद आने के पश्चात आगे की जो कहानी थी वो उसने नहीं सुनी, इसीलिए अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह का आगे का मार्ग पता नहीं था। तो यही बात वह युधिष्ठिर से कहता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं आता। तो युधिष्ठिर उससे कहते हैं कि बेटा व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। वो युधिष्ठिर उससे कहते हैं कि एक बार तुम उसके अंदर प्रवेश कर जाओ, फिर तुम जिधर से आगे बढ़ोगे हम तुम्हारे पीछे पीछे आते जाएंगे और तुम्हारी सहायता हम करते जाएंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन और जो अन्य वीर थे वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अभिमन्यु से वे इसके लिए आग्रह करते हैं कि वह चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करे और उसको तोड़ने की कोशिश करे। ये सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया और जब सभी जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे और जो युधिष्ठिर थे वो जब सब उसका उत्साह बढ़ाते हैं तो अभिमन्यु को भी अपने मामा श्री कृष्ण थे वो उसके मामा थे और पिता अर्जुन की वीरता याद आ जाती है और उसके अंदर भी जोश उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है और वह अपने सारथी से कहता है कि सुमित्र जो था वह अभिमन्यु का सारथी था, यानी कि रथ को चलाने वाला, वह कहता है कि सुमित्र वह देखो द्रोणाचार्य की रथ की ध्वजा, उसी और रथ चलाओ, क्योंकि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी, द्रोणाचार्य ने की थी, चलाओ जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने भी उसी और रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उसी और रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। जब कौरव सेना ने देखा कि अभिमन्यु जो है वो द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह की ओर आगे बढ़ रहा है तो उनमें भी हलचल मच गई और द्रोणाचार्य के देखते ही देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया और द्रोणाचार्य ने जो व्यूह रचना कर रखी थी उनके देखते ही देखते अभिमन्यु ने उस व्यूह को तोड़ दिया और वह चक्रव्यूह के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए, यानी कि रवाना होते गए, यानी कि वो उनको युद्ध क्षेत्र से मारकर भगाता रहा, जैसे कि आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में जब पतंगा, यानी कि जो कीट है, कीट पतंगे जो होते हैं, जब वो आग में गिरते हैं, उसकी लौ में गिरते हैं, दीपक की में, तो जल के भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु के सामने आते ही जो और कौरव सेना के जो वीर थे, जो सैनिक थे, वह मर रहे थे,
और जो भी सामने आया उस बाल वीर के बाणों की मार से मारा गया। एक तरह से वो बालक ही था लेकिन बहुत वीर था, तो जो भी उसके सामने आता था वह उसके बाणों से आहत हो जाता था और मारा जाता था। ऐसा कि पहले तय हुआ था कि पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहाँ से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। बच्चों, जैसे जैसे अभिमन्यु व्यूह को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जो पांडव सेना थी वह भी उसके पीछे पीछे अंदर प्रवेश करती जा रही थी और पीछे का जो मार्ग था उसको वो बंद करते जा रहे थे ताकि और कोई अंदर ना आ सके। लेकिन सिंधु देश का जो राजा था जयद्रथ, जो कि धृतराष्ट्र का दामाद था, उसने जब ये सब देखा तो वह अपनी सेना लेकर उसने पांडव सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया। जैसे जैसे अभिमन्यु जो चक्रव्यूह था उसकी दीवारों को तोड़ता जा रहा था, वैसे वैसे ही जो जयद्रथ था उस टूटी मतलब जो पांडव सेना थी उसको अंदर उनके अंदर प्रवेश करने से पहले ही वो चक्रव्यूह की टूटी हुई दीवारों को पुनः तैयार करता जा रहा था ताकि जो पांडव है वो अभिमन्यु के पीछे पीछे अंदर चक्रव्यूह में प्रवेश ना कर सके। तो इस प्रकार उसने चक्रव्यूह की पुनः किलेबंदी करके पांडवों को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और इस प्रकार चक्रव्यूह के अंदर अब सिर्फ अकेला अभिमन्यु ही रह गया था और उसके चारों तरफ सिर्फ कौरव सेना ही थी, जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, दुर्योधन का जो पुत्र था लक्ष्मण वह भी अभी छोटा ही था, वह भी बालक ही था और परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। ये देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में यानी कि दर्द भरी आवाज में या दुखी होकर हाहाकार कर उठी। जैसे ही दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण इस युद्ध में मारा गया, वैसे ही जो कौरव सेना थी उनमें हाहाकार मच गया और सभी व्यथित हो उठे, सभी दुखी हो गए। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। जैसे ही दुर्योधन को ये पता चला कि उसका पुत्र लक्ष्मण इस युद्ध में मारा गया है, उसे अत्यधिक क्रोध आया और वह अपनी सेना को आदेश देता है कि इसी क्षण अभिमन्यु का वध कर दिया जाए। दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा, वृद्धबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। इतने ये जो कौरव सेना के महारथी थे, इन सब ने उस अकेले बहुत ही जो अभी बालक ही था अभिमन्यु, उसे इन सब ने चारों तरफ से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथों के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए गए, अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। यानी कि अब जो अभिमन्यु था एक तरह से निहत्ता हो गया था, उसका जो घोड़ा था उसके जो सारथी था वह भी मारा गया था। अभिमन्यु का धनुष वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया अपने हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा, क्योंकि अब उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। इसीलिए उसने जो उसका रथ टूट गया था, क्योंकि रथ विहीन हो गया था, उसका घोड़ा और सारथी मारा जा चुका था, तो उसने रथ का पहिया उठाया और उस पहिये को वो चारों तरफ घुमाने लगा अपनी रक्षा के लिए। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। ये देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी, उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर, बच्चों अभिमन्यु जो पूरी ताकत से
उस जो रथ का जो पहिया था उसे घुमा रहा था, लेकिन कौरवों की सेना के सामने निहत्ते अभिमन्यु की एक ना चल सकी और उसके हाथ का जो पहिया था वह भी चूर चूर हो गया, यानी कि टूट गया। और जो दुशासन का जो पुत्र था वह गदा लेकर उस पर अभिमन्यु पर झपटा, यानी कि उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली, उसने भी अपने हाथ से जो रथ का पहिया था वो उसने फेंक दिया और उसने अपने हाथ में गदा उठा ली। दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े, यानी कि दुशासन का पुत्र और अभिमन्यु दोनों ही घायल हुए, दोनों ही जमीन पर गिर गए, दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ, अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यों भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अभिमन्यु जो था वो बहुत देर से युद्ध कर रहा था, बड़े बड़े महारथियों से उसने युद्ध किया था, उनको उसने युद्ध एक तरह से कहें कि उसने उनको युद्ध में धूल चटा दी थी, तो वो बहुत थक भी गया था, बहुत अत्यधिक घायल हो चुका था। इसीलिए जब दुशासन का पुत्र उससे पहले उठा तो उसने शीघ्र अपने हाथ में गदा उठाई और अभिमन्यु के सिर पर जोर से वार किया। और जैसे ही उसने अपनी गदा का प्रहार उसके ऊपर किया तो अभिमन्यु जो था वो नीचे गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, जब अर्जुन को अभी इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों अर्जुन का जो मन था वो भय से कांप रहा था। और युद्ध को समाप्त करके अब अर्जुन भी अपने सारथी, जो श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए थे, उनके साथ वो शिविर जहाँ पर पांडव सेना और जो पांडव पांचों भाई थे वो ठहरे हुए थे, वो शिविर पहुँचता है। उसका मन जो था वो भय से कांप रहा था और जब वो शिविर में पहुँचा तो वो देखता है कि जो पांडव उसके भाई थे और जो पांडव सेना थी, जितने भी महारथी उनकी सेना में थे, वह सभी एक तरह से वहाँ पर एक शांति छाई हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इसके कारण उसका जो मन था वो और अधिक आशंकित हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ अनिष्ट तो घटित हुआ है। और किसी के कुछ ना कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया और सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। जब उसने देखा कि शिविर में चारों तरफ शांति पसरी हुई थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो उसे ये आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है। और जब उसे ये पता चला कि आज 12वें दिन के युद्ध के दिन उसका पुत्र, उसका प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया, तो वह बहुत बुरी तरह से बिलखने लगता है, रोने लगता है। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा और अर्जुन जो है वो वहां पर उपस्थित सभी से कहता है कि मुझे ये बताया जाए कि अभिमन्यु को किसने मारा, किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, ये सारी घटना जो है वो जानना चाहता था। तब उसको इससे अवगत करवाया जाता है कि किस प्रकार अभिमन्यु को मारने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई और किस प्रकार जयद्रथ जो था उसने किले चक्रव्यूह की पुनः किलेबंदी करके पांडवों को और पांडव सेना को अंदर जाने से रोक दिया ताकि कोई अभिमन्यु की सहायता ना कर सके। और इस प्रकार उस चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला और निहत्ता रह गया था और किस प्रकार उस निहत्ते अभिमन्यु को मारा गया। और जब अर्जुन को इस सारी घटना के बारे में पता चलता है तो अर्जुन जो है वह कहता है कि जिसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। जो अर्जुन होता है वह ये प्रतिज्ञा लेता है, क्योंकि जयद्रथ ने ही किलेबंदी की थी ना चक्रव्यूह की, तो वह ये प्रतिज्ञा करता है कि जिस जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई वह कल सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था, अब 13वें दिन का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि 13वें दिन के युद्ध के सूर्यास्त से पहले मैं उसका वध कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की, गांडीव यानी धनुष, उस पर उसने जोर से प्रत्यंचा की, टंकार की यानी कि जो डोर बंधी होती ना उसकी आवाज,
जयद्रथ के कारण ही, क्योंकि उसके अर्जुन के जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेने का कारण ये था कि जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु एक तरह से मारा गया था। और जब जयद्रथ ने ये प्रतिज्ञा सुनी कि अर्जुन ने उसको मारने की प्रतिज्ञा की है, तो वह बहुत ही घबरा गया, बहुत डर गया और उसने ये सारी बात दुर्योधन को जाकर बताई। तो अब जो कौरव सेना थी उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी भांति जयद्रथ की रक्षा की जाए, उसको अर्जुन से बचाया जाए। सवेरा हुआ, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। जो द्रोणाचार्य थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने जयद्रथ की रक्षा की पूरी व्यवस्था की। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया और जयद्रथ की रक्षा के लिए उसको युद्ध, जहाँ पर युद्ध चल रहा था वहाँ से 12 मील की दूरी पर उसको पूरी सुरक्षा के बीच में रखा जाता है। उसकी रक्षा के लिए भूरी श्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। यानी कि इतने सारे जो महारथी थे उन सभी को जयद्रथ की रक्षा के लिए तैनात किया गया था और वह भी अपनी सेनाओं को लेकर उसकी रक्षा के लिए तैयार थे। अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता गया। लेकिन अर्जुन ने तो जयद्रथ को मारने की आज प्रतिज्ञा की थी, तो वह अपने हाथ में अपना धनुष बाण लेकर कई वीरों को मारते हुए आगे बढ़ता गया। अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ और इस प्रकार कई वीरों को मारता हुआ अर्जुन अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर जयद्रथ को रखा गया था। पूरी सेना की निगरानी में उसकी सुरक्षा घेराबंदी करके उसको एक तरह से रखा गया था ताकि अर्जुन उसको मार नहीं पाए, लेकिन फिर भी अर्जुन उस स्थान पर पहुंच गया। और जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो बहुत ही दुखी और चिंतित हुआ, और लेकिन अब उसके सामने वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि आज के सूर्यास्त यानी 13वें दिन के सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ को मारेगा। इसलिए जो दुर्योधन के द्वारा और कौरवों वीर कौरव जो थे उनके द्वारा जो जयद्रथ की रक्षा के लिए जो सेना तैनात की गई थी, जो उसकी रक्षा के लिए घेराबंदी की गई थी, अर्जुन ने उस घेराबंदी को एक तरह से कहे कि उसको नष्ट कर दिया, उस घेराबंदी को तोड़ दिया।